हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, रीजन क्या है। मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है, फिर भी आपको ये कारण देकर आपका एडसेंस अकाउंट रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इसका सॉल्यूशन बताऊँगा कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपको यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का इशू जो है ना आए। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्यों आपको ये इशू आता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ और कल मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 3 रैंकिंग फैक्टर के बारे में। दोस्तों टॉप 3 रैंकिंग फैक्टर होता है, अगर आपकी पोस्ट गूगल में रैंक नहीं कर रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आई बटन पर दे दूंगा। इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी आर्टिकल गूगल में कैसे रैंक करती है, ठीक है। ये गूगल द्वारा बताया गया है, सो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं, अगर आपके पास यू हैव ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट का इशू आ रहा है, मतलब आप एडसेंस आपको कह रहा है कि आपके पास 2 एडसेंस अकाउंट है, हम अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। अगर ये इशू आ रहा है तो उसको अगर आपको फिक्स करना है तो एक चीज़ आप ध्यान दें। सबसे पहली बात, अगर आपको ये इशू आ रहा है तो यानी कि हो सकता है आप सेम नाम और एड्रेस से, मान लीजिए मेरा नाम नीरज यादव है और मेरा एड्रेस जो है ठीक है, तो मैं एक अकाउंट बनाया एडसेंस का और फिर उसी नाम से उसी एड्रेस से मैंने एक और एडसेंस अकाउंट बनाया, तो ऐसे में आप एडसेंस अकाउंट 2 बना नहीं सकते हैं, ये इलीगल है। सो आपको 2 एक नाम और एड्रेस से एडसेंस नहीं बनाना है, ये पहली इशू, ठीक। अब अगर आपके पास दोनों अलग अलग नाम से एडसेंस अकाउंट है, फिर भी आपको गूगल के द्वारा यही बोला जा रहा है कि आपके पास एडसेंस अकाउंट है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको करना है, यदि आप एक ब्राउजर में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये ब्राउजर है एक फायरफॉक्स, तो एक ब्राउजर में आपने 2-3 एडसेंस लॉगिन करके रखा है तो अभी उसको लॉगआउट कर दीजिए, ठीक है। लॉगआउट करने के बाद पूरा यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह सब कुछ रिमूव कर दीजिए उस ब्राउजर का। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब जिस एडसेंस पे, जिस ईमेल के एड्रेस पर आपका एडसेंस है, जिस पे आपको अप्रूवल लेना है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है गूगल में। देखिए यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है अपने प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। और पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करेंगे, अभी ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको बगल में यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका एड्रेस और नाम शो होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एडसेंस में और यहाँ पे दोनों एड्रेस आपका सेम है और एड्रेस और नाम सेम है, तो आपको अगर ये बोला जा रहा है कि आपके पास एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर के नाम से यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। एडसेंस में जो नाम है वो आपको चेंज करिए और यहाँ पे फैमिली मेम्बर के नाम से आप एडसेंस अकाउंट बना लीजिए, अगर आपके पास 2 एडसेंस बना हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक नाम से, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक नाम से 2 एडसेंस आप नहीं बना सकते हैं, तो फैमिली के नाम से यहाँ पे आपको एडसेंस अपना बना लेना है। यहाँ पे एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर आप गूगल एडसेंस में जाकर आसानी से अपना यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है आपकी डबल एडसेंस अकाउंट का, वो नहीं होगा, ठीक है। एक ही चीज़, 2 चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। पहला है कि आपके एक नाम और एड्रेस से 2 एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते हैं, और यहाँ पे अगर ये इशू आ रहा है, यानी कि आपने अपने ब्राउजर में 2-3 एडसेंस अकाउंट लॉगिन किए हैं, भले वो अलग अलग नाम से हों, ठीक है, तो 2-3 एडसेंस आपको लॉगिन नहीं करना है एक ब्राउजर में,
तीसरा यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका एक ही एडसेंस है और आप यहाँ पे एक ही एडसेंस अपने ब्राउजर में लॉगिन किए हैं और नाम भी यहाँ पे सेम सेम है एडसेंस के अंदर, यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने फैमिली मेम्बर के नाम से एडसेंस अकाउंट यहाँ पे एड्रेस जो है चेंज कर देना है नाम का। यहाँ पे सिंपली केवल नाम चेंज करिए, एड्रेस वही रहने दीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो ये इशू बिल्कुल नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत सारे वीडियो आती रहती हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।